गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी बादाम वाली वीडियो को लाइक किया। फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, आपके सपोर्ट के लिए एक बार और थैंक्स। मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ ताकि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल सके। आज मैं आपको नींद के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपने पहले ना तो कहीं देखी होगी ना ही कहीं सुनी होगी। ये बहुत ही औसम है और इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं सांझा ज्ञान चैनल, सब्सक्राइब कीजिए सांझा ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हेल्थ टिप्स की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती या बहुत देर से नींद आती है या सोते समय बीच में आंख खुल जाती है फिर दोबारा से नींद नहीं आती है या सोने के बाद भी आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, सोने के बाद भी आपको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है या चक्कर आते हैं, सर भारी रहता है, बॉडी थकी थकी सी रहती है, उन लोगों को अनिद्रा यानी इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, सर में दर्द रहता है, काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, बॉडी थकी थकी सी रहती है और स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। रात में नींद सही नहीं आने के भी कई कारण होते हैं, जैसे बहुत देर तक जागना, बहुत देर तक मोबाइल, लैपटॉप, टीवी की स्क्रीन के साथ जुड़े रहने से भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और नींद सही नहीं आती है, या किसी टेंशन की वजह से भी रात को नींद ठीक नहीं आती है, या बहुत ज़्यादा माइंड वर्क करने से भी रात को नींद ठीक नहीं आती है। आज मैं आपको गहरी नींद लाने की जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो नींद तो लाएगी ही, प्लस उससे आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, चेहरे पर ग्लो आएगा, आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके टीथ भी स्ट्रांग होंगे। इसे बनाने के लिए हमें बस दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो मुनक्का और एक घर का बना देसी घी। मुनक्का में आयरन, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। ये अंगूरों को सुखाकर बनाया जाता है। वैसे तो मुनक्का का यूज हम कई डिसीज में करते हैं, लेकिन आज बस मैं नींद के लिए इसका कैसे यूज किया जाता है यही बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमें 10 से 12 के बीच में मुनक्का लेनी है। ध्यान रखना है हमको 10 से 12 के बीच में ही लेनी है, हमको इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। उसके बाद हमें एक पैन गर्म कीजिए, जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 टी स्पून देसी घी डालिए। अब घी को अच्छे से गर्म कीजिए, ध्यान रखिए घी अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद ही आपको मुनक्का डालनी है, नहीं तो जल जाती हैं। अब हमने इसमें मुनक्का डाल दी है, मुनक्का डालने के बाद हमें इसे रेगुलर चलाना है, इसे रोकना नहीं है, अच्छे से चलाते रहना है। नहीं चलाते हैं तो हम मुनक्का हमारी बहुत जल्दी जल जाती हैं, ये 30 सेकंड भी नहीं लगता कि ये मुनक्का तैयार हो जाती हैं। देखिए मुनक्का कैसे फूल जाती हैं घी में। अच्छे से चलाते रहिए, गैस ऑफ ही रहना है, गैस हमें ऑन नहीं करना है। देखिए मुनक्का कितनी अच्छी हो गई है अब हमारी। जिन लोगों को घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ये घी भी खा सकते हैं और जिन लोगों को घी से प्रॉब्लम है वो ये घी अवॉइड कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और इनका रिज़ल्ट ऑसम है। जो लोग नींद की टैबलेट लेते हैं वो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, यह नींद की टैबलेट से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात तो ये है इसकी कि ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हमें जब कभी नींद की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम यही ट्राई करते हैं, यही लेते हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, मज़े कीजिए। टिल देन, बाय बाय।